हाय, सो नथिंग फोन 2023 का मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया में और ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस फ़ोन की सारी स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो नथिंग इस फ़ोन को MWC 2023 के इवेंट के बाद लगातार टीज कर रहा है, एंड आप इसका जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हो। तो इसके लीक्ड रेंडर्स हैं, इस तरह का डिज़ाइन हमको मिल सकता है। तो डिज़ाइन सेम ही है नथिंग फोन 1 जैसा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सेम डिज़ाइन यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैक है जो कि सेम नथिंग फोन 1 में भी था। तो डिज़ाइन ठीक है, काफ़ी हद तक सिमिलर रहेगा। और नथिंग ने यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ये फ़ोन स्नैपड्रैगन के 8+ Gen 1 फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ में आएगा। तो फोन में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहेगी एंड काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट के हिसाब से फ़ोन आने वाला है। तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे हमको मिलेगी। फोन में इसके अलावा 8GB और 12GB रैम ऑप्शंस मिल जाएंगे और स्टोरेज 128GB और 256GB मिल जाएगी। यहाँ पर UFS 3.1 की स्टोरेज स्पीड रहेगी और LPDDR5 की रैम टाइप रहेगी। तो ये फ़ोन काफ़ी फास्ट रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ़ोन की डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो फ़ोन में हमको 6.55 इंचेस की फुल HD+ की एक AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आएगी। तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छी होगी एंड डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर हमको एक पंच होल कटआउट मिल जाएगा। एंड डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर हमको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा जो कि इस फोन को और प्रीमियम फील देगा। और यहाँ पे बेजल्स काफ़ी कम रहेंगे। फ़ोन में 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आता है। सेकेंडरी कैमरा और थर्ड कैमरे, दो कैमरे यहाँ पे हमको एडिशनली मिल जाएंगे जो कि पॉसिबली एक अल्ट्रा वाइड और एक मैक्रो लेंस रहेंगे। और सेल्फी कैमरा यहाँ पर 16MP का मिल सकता है पॉसिबली, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि सेम पंच होल कटआउट के साथ में यहाँ पर आएगा। फ़ोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी होगी। कितने वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है, बट आई बिलीव आपको 30W से ऊपर की ही फास्ट चार्जिंग फोन में मिल जाएगी क्योंकि फ़ोन को काफ़ी अच्छी तरीके से चार्ज कर देगी। बट आई एम डाउट कि फ़ोन में चार्जर मिलेगा या नहीं, इस चीज़ में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। तो ये जब आएगा तब पता चल जाएगा। इसके अलावा फ़ोन स्टीरियो स्पीकर के साथ में आएगा, तो फ़ोन में आपको साउंड की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और एंड्रॉयड 13 फ़ोन में रहेगा और नथिंग OS 1.5 की यहाँ पर हमको स्क्रीन मिलेगी। फ़ोन में हमको ग्लास की बॉडी मिल जाएगी पीछे की तरफ ट्रांसपेरेंट के साथ में, और यहाँ पे जो फ्रेम्स हैं वह एल्यूमिनियम के साथ में आएंगे जो कि फ़ोन को काफ़ी प्रीमियम फील देंगे। तो यही है सारे स्पेसिफिकेशन फ़ोन की। फ़ोन का प्राइस इंडिया में और ग्लोबली 30,000 के अराउंड रह सकता है। ग्लोबली आई थिंक प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, बट इंडिया में ये आपको 30,000 की रेंज में मिल जाएगा। एंड 30,000 में फ़ोन काफ़ी अच्छा रहेगा, तो 30 से 35,000 के बीच में आप इस फ़ोन को मान सकते हो। एंड इस प्राइस में फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। सो पहले हमको ये US में देखने को मिल सकता है, उसके बाद इंडिया में। सो 1-2 महीने लग जाएंगे इसको इंडिया में आने में। तो अगर आप चाहो तो डेफिनेटली इसका वेट कर सकते हो। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपकी क्या थॉट्स हैं फोन को लेकर मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के जरूर से बताना। तो दैट्स इट आज के लिए इस वीडियो में, बस इतना ही। मैं आपसे और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।